Hello everyone, how are you all fine at your places? So today's video is on Hindi Kavita Dashera, Burai Par Achhai Ki Jeet. आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और मैं आपको पपेट्स के थ्रू समझाऊंगी कि दशहरे का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रावण शिव का परम भक्त था, बहुत बड़ा था ज्ञानी। दस सर बीस भुजाओं वाला था राजा अभिमानी। नहीं किसी की वह सुनता था, करता था मनमानी। औरों को पीड़ा देने की आदत रही पुरानी। एक बार धारण कर उसने तन पर साधु निशानी। छल से सीता को हरने की हरकत की बचकानी। पर नारी का हरण न अच्छा, कह के हारी रानी। भाई ने भी समझाया तो लात पड़ी थी खानी। रामचंद्र से युद्ध हुआ तो याद आ गई नानी। शिव को याद किया विपदा में, अपनी व्यथा बखानी। जान बूझ कर बुरे काम की जिसने मन में ठानी। शिव ने भी सोचा ऐसे पर अब ना दया दिखानी। नष्ट हुआ सारा ही कुंबा, लंका पड़ी गवानी। मरा राम के हाथों रावण, होती खत्म कहानी। जय सिया राम। आई होप आपको ये पपेट शो बहुत पसंद आएगा और इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कुछ बुरा काम नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सब कुछ अच्छा अच्छा ही करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें ही उससे नुकसान होगा। दशहरे के पर्व से हमें ये भी पता चलता है कि बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। तो आगे से हमने ये देखना है कि कभी भी हम गलती से भी, भूल से भी कुछ गलत ना करें कि बाद में हमें पछताना पड़े। बिफोर एंडिंग दिस एक्टिविटी आई विश यू ऑल a very happy Dashera. So with this, I over with this activity. Till then, stay healthy, stay safe, and bye-bye.